नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। सियासत का सफर, जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के सियासत के सफर। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इस वक्त। वहां पर हम कह सकते हैं कि सियासी दंगल शुरू हो चुका है। जिस तरीके की वहां राजनीति हो रही है, जिस तरीके की राजनीति इस वक्त राहुल गांधी और श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको देखकर तो लगता है कि शायद 2017 में गुजरात चुनाव जब होगा तो शायद गुजरात की तकदीर बदल जाएगी। जिस तरीके से दावे, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उसको देखकर तो लग रहा है कि शायद गुजरात हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का नंबर वन राज्य बन जाएगा। लेकिन हकीकत बहुत दूर है, हकीकत बहुत पीछे है। नेताओं के वादे, नेताओं की बातें चुनाव के वक्त सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके की हकीकत आज गुजरात में है, शायद वो कोसों दूर है। आज हम बात करेंगे BJP को लेकर मुसलमानों का नज़रिया कैसा है। जी हाँ, मुसलमान जो वहाँ पर गुजरात में रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं या खुशहाल जीते हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं। 2002 में गुजरात दंगों की आग में जल जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह गुजरात में जहां दंगे की आग का कोई असर नहीं होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोरबंदर में समुद्र के किनारे महबूब शाह मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर बाहर निकलते एक युवा लड़के याकूब मेमन से जब बात होती है, तो मैं बात कर रहा हूँ जूनागढ़ ज़िले के कसोद के रहने वाले याकूब की। जी हाँ, कसोद जो जूनागढ़ के पास इलाका है, ये बहुत इलाका करीब है जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जन्मस्थली कीर्ति मंदिर के बहुत नज़दीक है ये कसोद। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 2002 में जब गुजरात दंगे की आग में जल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर के करीब ये कसोद जगह दंगे से बहुत दूर थी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है जगह। लेकिन मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ की हकीकत क्या है। इस तस्वीर को देखिए, ये कसोद ज़िला जो जूनागढ़ में है, कसोद जगह जहाँ पर सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये तस्वीर है, ये हकीकत है। मैंने आपको 2002 में लेकर गया, लेकिन मैं आज आपको कसोद की सड़क से रूबरू कर रहा हूँ, जिसको नहीं मैं बता सकता, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता ये गड्ढे में है या गड्ढे में ये सड़क बनी हुई है। बहरहाल, कहने के बाद यहाँ पर इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कसोद में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय रहता है। उससे जब हम लोगों ने बातचीत की तो वो कहता है कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्मों के मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अब वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तीन तलाक जैसे मसलों पर नरेंद्र मोदी सरकार जो है दखल अंदाजी कर रही है। बापू की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर से महज 400 मीटर की दूरी पर यह जगह है, जिसको शीतला चौक कहते हैं। शीतला माता के मंदिर होने की वजह से इस चौक का नाम शीतला चौक रखा गया है। शीतला चौक के आगे मेमनवाड़ इलाका है, ये पूरा इलाका मुस्लिम आबादी वाला है। इस इलाके में अंदर घुसते ही टूटी फूटी सड़कें और जन सड़कों पर बहते गंदे नाले का पानी दिख जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। अगर हम बात करें मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर, इस इलाके में स्वच्छता अभियान पर लोग चुटकी लेने लगते हैं। यहाँ की गलियों में मौजूद गंदगी को देखकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, इलाके में कंप्यूटर की क्लास भी चल रही हैं, यानी आप पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, जहाँ पर कंप्यूटर क्लास भी चल रही है, लेकिन सरकारी सुविधाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सुविधाएँ, आपको मैंने तस्वीर दिखा चुका हूँ कि सड़क की हालत कैसी है। जी हाँ, कब तक हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति होती रहेगी?
ये मुस्लिम इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दंगे की आग में भी नहीं जला लेकिन अब उसको सरकार के फैसलों से जलना पड़ रहा है, वहाँ सरकार के कोई काम नहीं हो रहे हैं, गली नाले सब टूटी हुई हैं, बुरी हालत है वहाँ की, लेकिन हकीकत बहुत ख़राब है। ऐसे में नेताओं से सवाल है जनता का कि वो आखिर कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ी बात कर दी इधर, लेकिन अब मैं आपको जूनागढ़ की इतिहास में लेकर जाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जूनागढ़ है क्या। ज़िले की कुल जनसंख्या का मैं आपको बताता हूँ, ये करीब 27,43,000 वहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर जनसंख्या है। आरक्षण यहाँ पर लिटरेसी रेट आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ का लिटरेसी रेट इतना बेहतर है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सही और सुलझे हुए लोग रहते हैं, और शायद यही वजह था कि दंगे की आग में वो जगह नहीं जली। साक्षरता दर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, 76.88, अंदाज़ा लगाइए कि कितने शिक्षित लोग रहते हैं। अगर इस विधानसभा की संख्या की हम बात करें, ज़िले की पृष्ठभूमि की बात करें, जूनागढ़ पश्चिमी गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में एक ज़िला है, और एक तरफ से अरब सागर, दूसरी तरफ क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। करीब अगर हम बात करें इसकी, इस ज़िले में कुल 9 विधानसभाएं आती हैं, मानादर, जूनागढ़, विश्वादर, केशौड़, मांगरोल, सोमनाथ, तलावा, कोशीनगर, ऊना सम्मिलित हैं, जिसमें एक सीट आरक्षित है और 8 सीटें अनारक्षित हैं। जी हाँ, ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि जिस तरीके की ये जूनागढ़ की, मैंने आपको बताया कि कितने मतदाता हैं, कितने तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अब सवाल ऐसे में उठ रहा है कि वहाँ के मुसलमान आखिर अपने आप को दबा कुचला क्यों महसूस कर रहे हैं। जब 2002 में गुजरात जल रहा था लेकिन यहाँ पर खामोशी थी, उसके बावजूद भी उन लोगों का कहीं कहना है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, बराबर वाले इलाके में काम हो रहा है, उनके इलाके में काम नहीं हो रहा। सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर कब तक सरकारें इस तरह की पार्शलिटी करती रहेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनागढ़ में बीजेपी ने किस उम्मीदवार को उतारा है। अगर हम बात करें जूनागढ़ में, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों का सेफ खेल रही है, यानी बहुत सोच समझ कर यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। अगर हम बात करें, भाजपा और कांग्रेस का चयन में काफ़ी सेफ खेल रही है, यहाँ पर कांग्रेस ने 5 और भाजपा ने 2 उम्मीदवारों को रिपीट किया है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं बहुत सदी हुई राजनीति कर रही है। 2017 का ये गुजरात विधानसभा चुनाव जो हर हालत में बीजेपी और कांग्रेस जीतना चाहती है, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक विकास, गुजरात का जो मॉडल जो दिखाया गया, विकास का जो बताया गया कि गुजरात जो है एक मॉडल है, विकास का एक मॉडल है, इससे लोगों को देखना चाहिए, लेकिन हकीकत गुजरात मॉडल की ये है। क्या यही गुजरात का विकास मॉडल है कि जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ पर हालात बद से बदतर हैं, आर्थिक और हर एक तरीके की चीज़ें वहाँ पर लोगों को दस्तियाब नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही। आखिर हमारे नेताजी दिल्ली में बैठकर बिस्लरी का पानी पी पी कर ज़मीनों के फैसले वहाँ की नहीं ले पाते। वो बात करेंगे तो सिर्फ अहमदाबाद के मॉल्स की बात करेंगे, सूरत की बड़ी लंबी सड़कों की बात करेंगे, लेकिन गुजरात में ऐसे गांव भी हैं जिनकी तस्वीर शायद धुंधली हो चुकी है। उस तस्वीर से नेताजी को धूल हटानी पड़ेगी, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो धूल नहीं हटेगी तो शायद नेताजी आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जवाब देना जानती है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, जनता कभी कुछ भूलती नहीं है। जनता को आप 5 साल बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जनता के लिए हमारे संविधान ने एक दिन ज़रूर मुकर्रर किया होता है और जनता उसका जवाब देती है। आप जनता के बीच के ही चुने होते हैं,
और जनता के बीच से ही हुटर बजाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि कब और क्या और फैसला लेना है। बहरहाल 2017 ये गुजरात विधानसभा चुनाव अहम होता जा रहा है। SPN9 न्यूज़ बहुत जिम्मेदारी के साथ उसे हर एक गली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हर एक उस सड़क तक आप तक पहुंचाने की बात करेगा जहां पर शायद नेताओं की या हम कह सकते हैं कि मीडिया के उन कैमरा नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनकी हकीकत से रूबरू कराएं, वहाँ के आदिवासियों की परेशानियों से रूबरू कराएं, वहाँ के दलितों की परेशानियों से रूबरू कराएं, आपके वहाँ के जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनसे रूबरू कराएं। दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए SPN News। नमस्कार।